हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एटेस से, मैंने की TWT पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि आपकी लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और पहले चरण के पहले फेज में आपकी जो 1 से लेकर 75,000 तक की काउंसलिंग आपकी चल रही है। स्टेट रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 75,000 तक के स्टूडेंट्स जो है रैंक यानी कि जो है चरण फर्स्ट, राउंड फर्स्ट और फेज फर्स्ट में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दी है। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं किए तो आप इस वीडियो में आपको बताने वाले पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया करनी है। इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए फर्स्ट फेज में, क्योंकि जो है तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर आपके लिए जो है हम पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो यहाँ पर बताने वाले। बाकी आगे आपका फेज सेकंड होगा, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन के बारे में पूरी आपको यहाँ पर जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। और इसके बाद आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है, आपका परीक्षा फॉर्म है, पूरे बीएड के 2 साल के सफर में आपके साथ है। तो अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा सही और सटीक जानकारी पाते रहें। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप अपने देखिए, इस जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है इसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप दोनों से ही कर सकते हैं। हमारा सेशन यही रहे कि आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया खुद करें ताकि वहाँ पर कोई भी गलतियाँ होने के चांसेस ना रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने मोबाइल पर या फिर अपने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना। वहाँ पर आपको सर्च करना mjpru.ac.in। जैसे आप उसको सर्च करेंगे आप अपने इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके का पेज अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको ऑलरेडी वीडियोज में बता भी रखा और इसमें आपको करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, बिल्कुल आसान प्रक्रिया, अपने मोबाइल से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालना रहेगा। ये आपके ईमेल पर आया होगा या फिर अपने मोबाइल नंबर पर भी आया होगा जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, बीएड वाला, तो यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डाल देना, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आई एग्री पर क्लिक करके ओके कर देना। उसके बाद अपने आप इस पेज पर जो है पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स, ये हम जो आपको मोबाइल में क्लिक किया है, जो आपको मोबाइल में हम दिखा रहे हैं, मोबाइल में आप किस तरीके से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहने वाला है आपके लैपटॉप के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पर ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन प्रिंट के, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के, चॉइस फिलिंग के और आपका स्कोर कार्ड के। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले पूरी काउंसलिंग कर ली, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फोटो क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हम हर साल जो है दिखाते हैं और इससे आपको कंप्लीटली जो हेल्प मिल जाती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर बीच में नेट प्रॉब्लम करता है तो वहाँ पर आपका जो है टाइम खराब होता है, तो इसलिए हम फॉर्म को जो पहले ही भर लेते हैं और फिर बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, और हाँ, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलता है। जो फाइनल ईयर अपेयरिंग के, उनको सबसे पहले अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होती है। तो आप डेस्कटॉप से तो सीधे कर पा रहे होंगे, लेकिन जो है मोबाइल से नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम आपको मोबाइल वाली प्रक्रिया जो है अगली वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये रजिस्ट्रेशन जो 7 तारीख तक कर सकते हैं, 7 अक्टूबर तक। 8 अक्टूबर को आप सिर्फ जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और बाकी अभी से आप साथ ही साथ चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं। 9 तारीख को आपका कॉलेज अलाउट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो लोग अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले कर दिया उनको पहले कॉलेज अलाउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कॉलेज आपको आपके रैंक के अनुसार ही दिया जाता है। तो ये बातें बिल्कुल बेकार हैं कि अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पहले कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको अपना सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट में आप अपना, अपने पिताजी का या फिर अपने माताजी का, 3 में से किसी एक का अकाउंट लगा सकते हैं, बाकी किसी का अकाउंट नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अपना नेम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बैंक का IFSC कोड जो बैंक की पासबुक पर लिखा रहता है, इसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना रहेगा, कौन सी बैंक है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिर कौन सी ब्रांच है उसको और किस सिटी में उसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके नीचे आपको क्या करेंगे, वहाँ पर फिर आप जो उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर पासबुक का फोटो भी अपलोड करना रहेगा, तो वो आसानी से पासबुक का फोटो आपको फर्स्ट पेज का फोटो लेकर उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपको कोई जो है साइज में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप फोटो रिचार्ज रैप से उसका साइज भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो फीस है वह 5,650 है। 650 जो आपकी नॉन रिफंड वाले यानी काउंसलिंग फीस है, 5,000 रुपये आपके रिफंड वाले। अगर आपको कॉलेज, मान लीजिए आपने जितने भी कॉलेज चूज किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी कॉलेज अलाउट नहीं होता है तो आपके 5,000 वापस आ जाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें ताकि आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ तीनों में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर आप सीधे जाएंगे पूल काउंसलिंग, जहाँ पर पूरी फीस पेमेंट होती है और सीट्स की संख्या भी बहुत कम रह जाती है। तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग फर्स्ट फेज में
जिन लोगों का है उनको फर्स्ट पेज में कॉलेज मिल जाए, तो आप ऐसी गलतियां ना करें कि आपको कॉलेज ना मिले, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये दिख जाएगा जो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड करने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड ई आपका एटीएम कार्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए जो हमने आपको अकाउंट बताया था, तो अकाउंट आप अपना या फिर अपने पिता या अपने माता का ही यूज़ कर पाएंगे, लेकिन डेबिट कार्ड आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी एटीएम हो सकता है, ठीक है। आपके फैमिली के या फैमिली के बाहर सा बाहर के आप उनसे जो पेमेंट अपना कट करा सकते हैं। डेबिट कार्ड पर क्लिक करके उनकी सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे, उनका कार्ड नंबर और जो भी एक्सपायरी डेट वगैरह होती है उसको फिल करके आप लोग जो है ओटीपी आएगा आपको मोबाइल नंबर पर, आपके यहाँ पर पैसे जो है कट जाएंगे, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पर आपको अपने इस पेज पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको जो कॉलेज सेलेक्टर का सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अपना कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका जो अगर आपने संस्कृत लिया है स्नातक में तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज चॉइस के लिए जो है सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉलेज लेना है सबसे पहले आपको उसकी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर जो है डालना। मान लीजिए हमें जो लेना था MGPR रोहिलखंड, तो हमने उसका जो यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का फॉर्म है जो हमने आपको पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। तो यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने सारे कॉलेज होंगे इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो आपको नीचे यहाँ पर कई सारे दिख जाएंगे। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको कई सारे कॉलेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज लेना है उसमें यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जो भी आप कॉलेज ऐड करेंगे यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा। इनकी प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है, अगर आप इनको प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पहले जो है बरेली कॉलेज लिया, बाद में कैंपस लिया रोहिलखंड कैंपस, फिर आपको कैंपस ऊपर करना, बरेली कॉलेज नीचे करना है, तो यहाँ से आप जो चेंज ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना, कम से कम आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 कॉलेज, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन 15-20 कॉलेज तो आपको सिलेक्ट करने ही चाहिए, क्योंकि यही होता है कि अगर आपको कॉलेज नहीं अलाउट होता है फिर आपको सीधे जो पूल काउंसलिंग मौका मिलता है, तब तक काफ़ी सारी सीट्स जो हैं फिल हो चुकी होती हैं। हम लगातार आपको पिछले 2 वर्षों से काउंसलिंग करा रहे हैं, तो हमें पता है कि कई सारे बच्चे जो भटकते हैं जिनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होती, अच्छी जिनकी स्टेट रैंक होती है 1000-2000 होती है, उनको भी जो है कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं या फिर 2 चूज करते हैं, भाई उनको नहीं मिलते हैं, फिर क्या होता है फिर वो सीधे जो है जाते हैं पूल काउंसलिंग, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ही मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग यही है कि आप लोग अच्छे से सोच समझकर 15-20 कॉलेज भरें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना है, फिर आपको जो है एडिड कॉलेज चूज करना है, फिर आपको जो है कम से कम एक प्राइवेट कॉलेज जरूर आपको चूज करना है जिनकी बहुत अच्छी रैंक है 10,000 के अंडर है, ठीक है। बाकी तो सभी को गवर्नमेंट एडिड प्लस प्राइवेट कॉलेज चूज ही करने हैं जिनके 10,000 से रैंक ऊपर है स्टेट रैंक, ठीक है। इस प्रकार से आप सारा सब कुछ करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है या तो आप उनको सेव कर सकते हैं और बाद में भी लॉक कर सकते हैं दोबारा से अपनी ID लॉगिन करके। अगर आप तुरंत लॉक करना चाहते हैं तो आप तुरंत जो है लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे कॉलेज लॉक हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया आप 8 तारीख तक है, 8 को आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, 7 तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं, और 9 तारीख को आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा जो है कॉलेज मिला है। 9 तारीख के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है 9 तारीख के बाद आपको क्या करना है, आपको 4 दिन मिलेंगे अपनी फीस सबमिट करने के लिए, यानी कि सीट कंफर्म करने के लिए। 9 तारीख को जो भी आपको जो है कॉलेज मिलेगा उसके आप फीस सबमिट कर सकते हैं 10, 11, 12, 13 तक, ठीक है। 4 दिन आपको फीस जमा करने को मिलेंगे, जिस दिन आप फीस पेमेंट करेंगे उसके अगले 3 दिन तक आपको जो अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, नीचे पूरी प्लेलिस्ट देगी आप उसमें देख सकते हैं। बाकी एक वीडियो हम और भी बना देंगे जिससे आपको और भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। बाकी जो फाइनल के छात्र उनके लिए थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहे, यहाँ पर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया और पूरी जो UP Board की काउंसलिंग जैसे कि हम पिछले लगातार 2 सालों से करवा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर 100% सटीक और सही जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।